देखिए, अभी जो देश में हालात चल रहे हैं और जिस हिसाब से मोदी जी की पार्टी है ना, डाउन पे डाउन चल रहा है। अभी हरियाणा में इलेक्शन है, तो जिस हिसाब से इनकी पार्टी डाउन टू डाउन जा रहा है, और बाकी इलेक्शंस भी देख लीजिए, बाकी राज्यों को भी देख लीजिए, इस बार तो इनकी सरकार गिर जाना था। वो तो ओडिशा ने और कुछ जेडीयू ने बचा लिया, लेकिन अगली बार से नहीं बचेगा। इसलिए फिलहाल गवर्नमेंट बहुत प्रेशराइज हो चुका है और ऑलरेडी 50% परमानेंट कर दिया है। अगर आपको डाउट है कि अभी तक 50% परमानेंट नहीं हुआ है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो। 50% ऑलरेडी परमानेंट हो चुका है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है कि 50% हो ही गया है। अब बात चल रहा है कि जो 75 और परमानेंट करने की, देखिए 75 कर लो, चाहे 80% कर लो, 90 कर लो, या फिर 20 कर लो। जो इंडिया की यूथ है, इंडिया के परिवार है, मिडिल क्लास है, ये कहीं भी नहीं पसंद कर रहे हैं अग्निवीर स्कीम को। चाहे इसकी सैलरी स्ट्रक्चर हो, चाहे इसकी फैसिलिटी हो, चाहे उसकी इंश्योरेंस हो, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं फ़र्क है एक रेगुलर सोल्जर्स को लेके एक अग्निवीर में। इसलिए कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी पार्टी ही नहीं बचेगा, तो फिर ये नियम लागू कहाँ करेंगे? और कांग्रेस की पार्टी आएगा तो इनको कहीं ना कहीं ये स्कीम बंद कर देगा, वो क्लियरली उन्होंने बताया। और उनकी इंटेंट है कि लगता भी है कि ये स्कीम बंद हो जाएगा कांग्रेस आने के बाद। इसलिए किसी भी हालत में अगर पार्टी बचा रहेगा तभी तो जाके स्कीम निकालेंगे। और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं किसी भी हद तक चला जाता है पार्टी के लिए। आप देखे होंगे जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ पर पार्टी की पब्लिसिटी हो रहा है, वहाँ पर उस बंदे को कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, और जो भी अग्निवीर स्कीम के लिए जाना चाहते हैं अभी आप ज्वाइन करिए, आप सारे के सारे परमानेंट हो जाएंगे अगले 1-1.5 साल में। 2025 दिसंबर तक आप सारे के सारे परमानेंट हो जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि अग्निवीर में इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टेम्पररी है और कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी यकीन दिलवाता हूँ कि अगले 2-4 साल में, 1-1.5 साल में आप सारे के सारे परमानेंट हो जाएंगे। जिस हिसाब से प्रेशर बना के आप लोगों ने रखा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बना के रखिए। वीडियो को शेयर करते रहिए और एक यूथ की जो ग्रुप है उसको बना के रखिए, क्योंकि ये स्कीम गलत है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहे, ना कि हमें कांग्रेस से ज़्यादा प्यार है, बीजेपी से ज़्यादा प्यार है। हर एक आदमी अपने अपना काम पर देश के लिए काम कर रहा है, बीजेपी भी काम कर रहा है, कांग्रेस भी काम कर रहा है, और हम लोग जो सोल्जर्स हैं हम भी काम कर रहे हैं, और यूथ रहा है अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ लड़ाई यूथ के लिए है। जो स्कीम है वो गलत है, हम इसको चाहते हैं कि इसको स्कीम को वापस जैसे था नॉर्मल कर दिया जाए। बाकी हमारे को सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारे को सिर्फ यूथ की फ्यूचर की पड़ी है, बस दैट्स इट। तो इसलिए अगर आप अभी मिस्टेक करके अग्निवीर ज्वाइन नहीं करेंगे, आप उभर जो हो जाएंगे, मतलब 21 साल 23 साल हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा बाद में, आप पछतावा बहुत ज़्यादा होगा आपको। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप अभी अग्निवीर भर्ती नहीं देंगे तो बाद में आपको पछतावा होगा, क्योंकि बाद में ये सारे परमानेंट हो जाएंगे। ये कंफर्म है दिसंबर 2025 तक, जिस हिसाब से देश की हालात है और बीजेपी की स्कोर है, कांग्रेस और इनका जो गठबंधन सरकार है कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्कीम बंद हो जाएगा अगर कांग्रेस यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, जो भी आपकी पढ़ाई है उसको करते रहिए, ठीक है। साथ में आप अग्निवीर ज्वाइन करते रहिए, जो भी अग्निवीर स्कीम में अभी जाना चाहते हैं। अगर आपको रेगुलर में मौका मिल रहा है तो रेगुलर में जाइए, अग्निवीर मत जाइए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अग्निवीर है, अग्निवीर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 2-4 साल में, मतलब सॉरी 1-1.5 साल में आप परमानेंट हो जाएंगे, 2025 तक लास्ट है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कांग्रेस सरकार बनने वाला है। अगर कांग्रेस और जो उनकी गठबंधन सरकार मिलता है तो अग्निवीर स्कीम टोटली बंद हो जाएगा। तो आप जितने भी भर्ती हुए होंगे उस टाइम आप सारे परमानेंट हो जाएंगे। अगर आप भर्ती नहीं हुए होंगे तो आप ओवर एज हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। आप हाल ही में देख सकते हैं पेंडिंग वालों का भर्ती का कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव रहिए, ज्वाइन करिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और बहुत जल्दी ये ऑप्शन आपको मिलनेगा कि आप सारे के सारे परमानेंट हो जाएंगे। जय हिंद।